तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब गणेश जी आने वाले हैं और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में लगने वाला है मेला और बहुत भीड़ हो जाती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना भीड़ हो इससे पहले आपको गणेश जी के दर्शन करवा दें और खजराना गणेश मंदिर भी बता दें। तो ये खजराना गणेश मंदिर कैसा है अगर आपको जानना हो तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है खजराना गणेश मंदिर जो कि इंदौर शहर में पड़ता है। तो यहाँ आप इस तरह से खजराना गणेश मंदिर में जा सकते हैं। ये मेन दरवाज़ा है जाने का। इसके पीछे की साइड से भी रास्ता है, अगर आप कार वगैरह से जा रहे हैं तो आप पीछे से जा सकते हैं। तो कार की भी पार्किंग वगैरह की सुविधा है। और देखिए, जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं तो यहाँ आ जाता है एक मार्केट जहाँ की प्रसाद वगैरह मिलता है, क्योंकि हमें टेस्ट करवा कर प्रसाद देते हैं कि ये देखिए असली ही घी का प्रसाद है। तो चलिए, इस तरह से हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिया है और अब चलते हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए, अंदर जाकर भी थोड़ी सी एंट्री होती है, यानी कि अंदर भी जब जाते हैं तो ये इस गेट से जाना पड़ता है जहाँ मशीन लगी हुई है, चेकिंग होती है। तो जैसे हम अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई रहती है। अभी तो कम भीड़ है, लेकिन अगर आप बुधवार को और संडे को आते हैं तो यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई रहती है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई रहती है। तो देखिए, इस तरह से कुछ है यहाँ। ये देखिए, वीआईपी लोग अंदर जाकर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने वीआईपी कार्ड बनवा रखा है, जो कि ये बहुत गलत है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए मंदिरों में। हमने अक्सर देखा है कि कई मंदिरों में ऐसा होता है कि वीआईपी कार्ड बनवाओ और भगवान के अच्छे से दर्शन करो। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर होता है, कोई वीआईपी नहीं होता है भगवान के लिए, तो सबको दर्शन करने देना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ खजराना गणेश मंदिर है। उसके बाद हम शनि मंदिर में आ चुके हैं, तो ये देखिए, आप शनि मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बारिश आने लग गई तो फिर हम पानी के मज़े लेने लग गए, और इस तरह से सारी भीड़ इकट्ठी हो गई एक जगह पर जहाँ पानी नहीं लग रहा था। और ये देखिए, कुछ इस तरह का खजराना गणेश मंदिर में है। यहाँ भी एक मंदिर है जो कि नीचे जाने से दर्शन होते हैं भोलेनाथ के, लेकिन पानी गिरने की वजह से वो बंद कर दिया गया है। तो यहाँ भी बच्चों ने थोड़ा सा पास में जाके दर्शन कर लिए। फ्रेंड्स, वैसे तो अब किसी भी मंदिर में जाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर जगह तो भगवानों को कैद कर लिया गया है। किसी भगवान को जाली से कैद कर लिया गया है, तो किसी भगवान को शीशे में कैद कर लिया गया है, और दर्शन करने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता है। अगर आपको ज़्यादा ही दर्शन करना हो तो वीआईपी कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको पैसे लगते हैं। तो इसलिए मेरा तो अब किसी मंदिर में जाने का कोई मन ही नहीं करता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से दर्शन कर लीजिए आप गणेश मंदिर के। हमने तो यहीं किए थे दर्शन, वहाँ तो नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ हमें जाने ही नहीं दिया गया। तो चलिए, अब हमने यहाँ बंधवा लिया है गणेश जी का धागा, ये गणेश जी का आशीर्वाद है। तो ये धागा बंधवा कर दक्षिणा देकर हम आगे बढ़ गए हैं। तो फिर हमने दर्शन किए, ये कौन सा मंदिर है, ये देखिए, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस माता जी को कांच में कैद कर लिया गया है, शीशे में कैद कर लिया गया है, तो अब क्या ही दर्शन करें हम। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं श्री राम भगवान के दर्शन। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ऊपर चढ़ना पड़ता है राम मंदिर में जाने के लिए। और यहाँ तो अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि यहाँ भगवान को बंद नहीं किया गया था, खुले थे भगवान जी। और ये देखिए, कुछ इस तरह से इसके पीछे से जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि अपनी जो भी मुराद हो यहाँ लिखें, अपनी जो भी मन की इच्छा हो तो यहाँ एक पेन से लिख दें, तो वो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। जब उनका आशीर्वाद हमें मिलता है तब हमारी इच्छा पूरी होती है। तो इस तरह से कुछ है यहाँ का व्यू, और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ, बहुत शांति मिली और बहुत सुकून मिला यहाँ आकर, और बहुत अच्छा लगा इस जगह पर आकर। तो आप भी एक बार खजराना गणेश मंदिर ज़रूर पधारें और इस जगह का मजा लें। तो ये देखिए, अब हम दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर के साइड में बना हुआ है अयोध्या मंदिर, और ये देखिए, कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाई क्योंकि धूप बहुत थी और मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। तो सारा दर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
तो यहाँ चलता है भंडारा गणेश मंदिर में, तो आप भी ज़रूर यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करें। और यहाँ दान पेटी रखी है, तो आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, और बहुत ही अच्छा बना है यहाँ पर खाना। तो इस तरह से हमारे दर्शन पूरे हुए, आप चलते हैं घर को।